Hi, and welcome to India's number one construction podcast, BuildMade Podcast. Hi, and welcome to the BuildMade Podcast. Aj Merisat, Mr. Mukund Joshi, hai. he is a civil engineer and an international concrete technologist. He has worked in over 10 countries on numerous prestigious projects like the Burj Khalifa, Bahrain Financial Harbour, and Kaiga Atomic Reactor near Goa.

शुरुआत में ये कहूंगा कि हम कहते हैं ए सी लेकिन बहुत बार मैंने लोगों को एसी सी कहते सुना है सो लेट्स मेक इट क्लियर ए सीसी एक सीमेंट कंपनी है और ए ए सी प्रोडक्ट का नाम है तो ये कहां से आया वर्ड ए ए सी पहला ए है ऑटोक्लेव ऑटोक्लिव मतलब दोस्तों हमारे सबके घर में किचन में एक प्रेशर कुकर होता है जिसमें हम दाल चावल बनाते हैं exactly एग्जैक्टली सेम प्रेशर कुकर लेकिन बहुत बड़े साइज में ये ए प्लांट में होता है इसमें क्या करते हैं हम इस प्रोडक्ट को लेते हैं अंदर रखते हैं स्टीम से हीटिंग देते हैं टेम्परेचर टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाते हैं बहुत टेक्निकल लगेगा आपको लेकिन इंटरेस्टिंग है हमारे घर में जो किचन में प्रेशर कुकर है उसका प्रेशर पता है कितना है जस्ट पॉइंट फाइव okay. और यहां पर बारह मतलब चौबीस गुना ज्यादा प्रेशर दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हो ऊपर वाला न करे लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो जाता है प्लांट में इस ऑटोक्लेव के साथ तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है तो एक बहुत सेफ्टी के हिसाब से इंपॉर्टेंट आइटम है ऑटोक्लेव जिसमें प्रोडक्ट हम रखते हैं इसलिए पहला ए आया ऑटोक्लेवड एक ऐसी चीज जो ऑटोक्लेव के अंदर बने ऑटोक्लेव जिसमें स्टीम दी और स्टीम से हमने हीट दी हीट क्यों मेरे सारे सिविल इंजीनियर दोस्तों को पता होगा कि जब भी कंक्रीट को या सीमेंट प्रोडक्ट को हम हीट देते हैं तो स्ट्रेंथ जल्दी मिल जाती है जी। जो साइड के ऊपर हम 28 दिन पानी मारते हैं क्यूरिंग करते हैं सेम डे स्ट्रेंथ वी गेट इन आवर्स राइट ड्यू टू तो इसकी वजह से प्लांट का आउटपुट बढ़ता है स्ट्रेंथ जल्दी मिलती है वगैरह ऑल बेनिफिट सो फर्स्ट इज ऑटोक्लिव सेकेंड इज एरेटेड एरेटेड मतलब क्या जिसके अंदर हवा है जिसके अंदर एयर है राइट

और वो एक एग्रीगेट का काम करती है और पार्शियली सीमेंट रिप्लेसमेंट का काम करती है स्ट्रेंग भी देती है हमें तो इस तरीके से ये वर्ड ए ए सी आया uh, किसने किया यस yes. दोस्तों हमारे देश के लिए थोड़ा नया टेक्नोलॉजी पिछले दस साल से हम देख रहे हैं बहुत जोरों से ऑल ओवर इंडिया ए का इस्तेमाल होते हुए हमने देखा है लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इट्स मोर देन हंड्रेड ईयर ओल्ड इन नाइनटीन इन यूरोप प्रोडक्ट वॉज इन्वेंटेड दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जस्ट खत्म हो चुका था और बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था जर्मनी यूरोप में और उन्हें एक ऐसे प्रोडक्ट की तलाश थी जो ठंडी को अंदर आने से रोके और हमारी जरूरत क्या हमें गर्मी को अंदर लाने से रोकना है सो द पर्पज इज सेम थर्मल इंसुलेशन और इस तरीके से इस प्रोडक्ट का तभी इन्वेंशन हुआ टू स्टॉप द कोल्ड फ्रॉम कमिंग इन टू गिव कम्फर्ट टू द रेसिडेंट ऑफिजन स्टेग इन दैट हाउस राइट और 1920 में एरिक्सन करके एक साइंटिस्ट है स्वीडन में जिसने इस प्रोडक्ट की खोज की फाइनल क्रेडिट उसे जाता है लेकिन ऑलमोस्ट थर्टी फाइव तक ये इन्वेंशन किसी ने ऑटोक्लेव की खोज की थी किसी ने एरेशन निकाला था लेकिन एरिकसन ऐसे था जिसने सारी चीजें एक साथ लाई okay. और तभी फ्लायश नहीं थी तभी सैंड को ग्राइंड करके ये प्रोडक्ट बनाया जाता था आज भी बहुत सारे देशों में जहां पर सैंड इजीली एक्सेसिबल है फ्लायश नहीं है दोनों का रोल सेम है ग्राइंडिंग ऑफ सैंड या फ्लायश पाउडर तो दैट्स हाउ ही इन्वेंटेड इन 1920 और देखते देखते 10-15 साल में यूरोप में बहुत सारी फैक्ट्रीज आ गई इसकी जिसमें से एक बड़ा नाम था सिपोरेक्स और फिर ये वही सिपोरेक्स है जो पूना से आ, बीजी शिरके कंपनी गई एंड दे गॉट इट इन इंडिया तो जब हम देखते हैं कि यूरोप से प्रोडक्ट इंडिया तो नाइनटीन में पहुंच चुका था बट हम तक तो क्यों नहीं आया hmm. लोगों तक क्यों नहीं आया क्योंकि ये जो आ, बीजी शिरके कंपनी थी इज स्टिल अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर तभी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे महाराष्ट्र में सिडको के बहुत सारे काम ये करते थे जिसमें इनका प्रोडक्ट अप्रूव हो जाता था और फिर वो गवर्नमेंटल वर्क्स में यूज हो जाता था लेकिन एक प्राइवेट आज बिल्डर है डेवलपर है उस तक कोई ये लेके नहीं गया प्रोडक्ट भाई ये प्रोडक्ट देखो चेक करो क्या बेनिफिट्स है यूज करो ओके? जो होने लगा जब बहुत सारी बाकी के प्राइवेट प्लेयर्स आए इन लास्ट टेन फिफ्टीन ईयर उसके बाद ये होने लगा तो ये जर्नी था लास्ट 100 ईयर से लास्ट 10 ईयर्स तक ऐसी थी तो हो सकता है सर हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से या बीआईएस कोड कमेटी के हिसाब से भी शायद पुश ना गई हो इतनी ज्यादा उस टाइम पे यस लेकिन अगर आप कोड देखोगे तो 1984 से ऑलरेडी कोड वाज एग्जिस्टिंग ओके okay. और 2003 में वो रिवाइज भी हुआ सो और आज भी एक काफी अच्छा इंडियन स्टैंडर्ड है आज IS 2085 तो इट इज देयर और

सेम ईट है सेम प्रपोर्शन है नो चेंज बिल्कुल पूरी दुनिया बदल गई हमारे हाथ में स्मार्टफोन्स आ गए लेकिन साइट के ऊपर की ईट वही रही सेम क्यों क्योंकि रेड ब्रिक वॉज अ गुड प्रोडक्ट ईट इज अ गुड प्रोडक्ट बट ओवर द पीरियड ये हुआ कि इतनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई हमारी हाउसिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ गई हमारी ईटो की रिक्वायरमेंट बढ़ गई और ईट बनती है कहां से तो लाल मिट्टी से हम विद इन ट्वेंटी थर्टी मिनट्स वो लाल मिट्टी निकाल लेते हैं और उससे ईट बनाते हैं लेकिन नेचर को एक इंच पत्थर को सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए 500 इयर्स ईयर्स लगते हैं तो इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो लैंड है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है जो बंजर जमीन फिर एक बार आगे आ रही है मिट्टी जब हम निकालते हैं तो इट रिजल्ट डिफोरेस्टेशन आपको पता है जो रेन वाटर है उसका जो सीपेज है वो लाल मिट्टी के ऊपर बहुत डिपेंड होता है मुझे पता है जब मैं छोटा था एटलीस्ट महाराष्ट्र में यू नो 20 फुट में पानी मिल जाता था जब हम बोर करते थे yes. और आज आप 200 फुट जाएंगे फिर भी गारंटी नहीं कि आपको पानी मिलेगा मिलेगा मिले नहीं ठीक मिले बिकॉज हम पानी निकाल रहे हैं लेकिन जो रेन वाटर का पानी सीप होना चाहिए वो हो नहीं रहा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सरफेस वाटर रन ऑफ वो पानी निकल जाता है भाग जाता है वहां पर सिंचाई होती नहीं उसकी उसकी वजह से अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईयर 2000 में कहा कि भैया प्लीज लाल मिट्टी निकालना बंद कीजिए ओके hmm. उसका इस्तेमाल करना क्योंकि बहुत प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है yeah. बीच में एक मैंने देखा था कोई संत है जिन्होंने एक अभियान शुरू किया अभी मिट्टी बचाओ जैसे पानी हाँ बचाओ जी, है। बिल्कुल है यस सतगुरु जी का है hmm. राइट मिट्टी बचाओ क्यों क्योंकि अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी लेते हो तो उसमें लाखों जीवाणु है जो हेल्पफुल है और वो जीवाणुओं से ही सृष्टि की शुरुआत है अगर आप उसे ही खत्म करोगे तो पता नहीं से शायद 200-300 साल बाद इंसान को ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस सब बैकग्राउंड से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि मिट्टी को मत निकालिए उसकी जगह पे अल्टरनेट प्रोडक्ट का उपयोग कीजिए ओके okay. जो yes. हम लाल मिट्टी के बारे में बात करें yes. ये वैसे भी हमारा फर्टाइल सॉइल है yes. तो आई थिंक इट इज टेकिंग अस टूवर्ड्स बंजर जमीन की तरफ ले जा yes. रहा है और वो फिर हमारे को आगे खेती बाड़ी में भी दिक्कत आ सकती है वो सभी चीजें आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रेपरकशन है क्योंकि प्राइमरीली आज भी एक एग्रेरियन सोसाइटी है हम yes. यस तो हमारे लिए वो सेल्फ फूड प्रोडक्शन वाला जो हमारा चेन है yes. yes. uh, great, uh, ये तो हुआ लाल ईट का इफेक्ट एंड ऑन मॉडर्न सोसाइटी क्योंकि अब हमारी वॉल्यूम्स बढ़ती जा रही है yes. तो वहाँ कहीं ना कहीं ए सी ब्लॉक की जरूरत भी पड़ती जा रही है और वो yes. फिर उस हिसाब से रिप्लेसमेंट भी हो रहा है uh, अगर मैं प्रोडक्ट को कम्पेयर करूँ यस तीन तरीके के प्रोडक्ट ज्यादातर बाजार में चल रहे हैं जो वॉलिंग मटीरियल के लिए आ रहे हैं yes. आज कल सबसे पहले ऑफकोर्स क्ले ब्रिक फ्लाश ब्रिक एंड ए सी ब्लॉक सो कैन वी है कम्पेरिजन इन द प्रोडक्ट नाउ सी ब्लॉक बेटर है या उसकी ईट बेटर है या उनकी क्या फीचर्स है आप थोड़ा सा प्लीज गाइड करें हमारे Uh, दोस्तों हम जब मिसनरी वॉल की बात करते हैं ओके अः okay, uh, मैंने मेरा आरसीसी स्ट्रक्चर बनाया मेरे कॉलम लग गए मेरी स्लैब लग गई बीम्स जगह पर हैं अभी मुझे दीवारें बनानी है बीच में और जैसे ऋषभ जी ने कहा ये तीन प्रोडक्ट्स हैं एक लाल ईट जो हम पिछले पांच हजार साल से यूज कर रहे हैं उसके पश्चात जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुश किया कि अल्टरनेट कुछ प्रोडक्ट यूज कीजिए जैसे फ्लाई प्लायश फ्लाई एक वेस्ट है जो थर्मल पावर स्टेशन से बनती है और आप कोई भी थर्मल पावर स्टेशन में जाके देखोगे तो हजारों एकड़ जमीन इज यू नो ऑक्यूपाइड विद दिस फ्लैश विच इज अ वेस्ट अब इसे क्या करना वो सवाल था फिर पता चला कि अरे इसमें तो सीमेंटेशियस प्रॉपर्टीज है इसमें यूज कर सकते हैं तो उसको आप पुश हो गया थोड़ा सा और फ्लाई की ईटे आ गई ये फ्लाई की ईटे आ गई 2005 के आसपास मिशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्पेशल डिपार्टमेंट है उसने पुश किया यूज फ्लाई एश ब्रिक्स अभी एक जगह पे लाल ईट है जिसकी डेंसिटी है पंद्रह सो थोड़ा टेक्निकल में जा रहा हूं जरूरी दूसरी जगह पर है फ्लाई ब्रिक्स जो ज्यादा वजनदार है ज्यादा हेवी है, है तो पंद्रह की जगह पे उसकी डेंसिटी सत्रह सो तक पहुंच जाती है दोस्तों जैसे वजन ज्यादा वैसे हीट घर के अंदर ज्यादा आ जाएगी ओके राइट जो हमारे लिए परेशानी है तो उसका थर्मल इंसुलेशन कम थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा इसका मतलब अगर मैं इस घर में बैठा हूं अगर मैंने एक टन का ए लगाया है और लाल ईट से घर बनाया है, यही अगर मैं फ्लायाट से बनाऊंगा तो एक की जगह पे डेढ़ टन का ए सेम कूलिंग इफेक्ट और फिर लोगों को यह चीज महसूस होने लगी कि मेरा घर फ्लाय शीट से बना तो गर्मी ज्यादा हो रही है मुझे जैसे अभी समर चल रहा है और टेम्परेचर गोज बियॉन्ड फोर्टी डिग्रीज इन मेनी सिटीज इन इंडिया तो घर में गर्मी बढ़ जाती है और इंसान थोड़ा परेशान हो जाता है राइट तो वहां से शीट के ऊपर वो थोड़ा सा धब्बा लगा कि 2008 से ए सी ब्लॉक में प्राइवेट बहुत सारे प्लांट ब्लॉक एग्जैक्टली अपोजिट है तो बीच में फ्लायश ब्रिक है डेंसिटी कितना मैंने? 500, right. ब्रिक कहा अठारह सो और एसी ब्लॉक की डेंसिटी इतनी कम है जैसे मैंने कहा पानी के ऊपर फ्लोट होता है सिक्स फिफ्टी पर मीटर क्यों Absolutely. तो दो गुना से भी कम इसकी डेंसिटी है इसका मतलब थर्मल कंडक्टिविटी दो गुना कम और आपको जो थर्मल रेजिस्टिविटी है वो दो गुना ज्यादा इसका मतलब मैं एक टन का वही एग्जाम्पल यूज करूं तो एक टन ने मुझे पौने टन में शायद सेम कूलिंग इफेक्ट मिलेगा right. तो बहुत सारी एक लीडिंग कंपनी ए सी ब्लॉक इंडिया में जो अपने ब्लॉक्स को उन्होंने मार्केट के कंफर्ट ब्लॉक्स करके hmm. वाई क्योंकि जब आप उस घर में रहोगे तो विल गेट कंफर्ट तो यहां से शुरुआत हुई ए की फर्स्ट प्रॉपर्टी थर्मल कंडक्टिविटी और ये थर्मल कंडक्टिविटी हमारे आई एस कोड में टूट राइट right? और अगर आप देखोगे तो थर्मल कंडक्टिविटी की मैक्सिमम अलाउड वैल्यू फॉर एजो ब्लॉक इज फोर यह जीरो पॉइंट टू का मतलब क्या है उसका यूनिट मैं कहूंगा तो सब लोग डर जाएंगे वैट्स पर मीटर डिग्री केल्विन। मतलब सिंपल है बाहर अगर एक डिग्री चेंज हुआ टेम्परेचर तो घर के अंदर कितनी हीट बढ़ेगी तो ए सी ब्लॉक है तो तीन गुना ज्यादा घर के अंदर हीट बढ़ेगी लालिट से दोस्तों मैंने शुरू में ही कहा लालिट अच्छा प्रोडक्ट है इसलिए पांच हजार साल तक वो टिका रहा बिल्कुल बट एसी ब्लॉक इज वन स्टेप फर्दर एक स्टेप और आगे आपके घर में आपको कंफर्ट देने के लिए और आपका दिमाग भी ठंडा रखने के लिए राइट तो ये शुरुआत हुई डेंसिटी से फिर आए हम थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर right. लेकिन इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ क्योंकि आप थर्मल कंडक्टिविटी तो साइड के ऊपर चेक नहीं कर पाओगे भिल्कुल. जब ब्लॉक आएगा तो, तो एक ब्लॉक आएगा तो आप स्ट्रेंथ चेक करोगे आई एस कोड ने दो ग्रेड दिए ग्रेड वन ग्रेड टू लेकिन मैं स्ट्रांगली अपील करूंगा हमने आई एस कोड को भी लेटर लिखा है कि ग्रेड टू वाला सस्ता ब्लॉक कम स्ट्रेंथ वाला ब्लॉक मत अलाउ कीजिए Hmm. क्योंकि दैट रिजल्ट्स इनटू प्रॉब्लम्स ऑन साइट हर कोई साइट इंजीनियर इतना नॉलेजेबल नहीं है हर जगह पे इतनी सुपरविजन नहीं है पॉसिबल कि लो स्ट्रेंथ ब्लॉक लेके भी एक अच्छा मेसनरी वॉल आप बनाओ cool cool. तो स्टिक टू गुड क्वालिटी ब्लॉक जो ग्रेड वन है मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनी सब लोग ग्रेड वन ही बेच के बनाती है सर कंपनी अब ग्रेड वन के अलावा फाइव प्लस हाई स्ट्रेंथ भी बनाने लगे हैं ये गुड इजली तो ग्रेड टू मतलब थ्री एम पी ग्रेड वन जिसकी हम बात कर रहे हैं oh. जो स्टैंडर्ड होते जा रहा है इंडिया में इज ग्रेड वन फोर स्ट्रेंथ और आपने जो कहा स्ट्रेंथ टेक्निकली इज इट इट रिक्वायर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड लेकिन इट इज डेफिनेटली बेटर क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और उसकी ड्राइंग श्रिंकेज की वैल्यू कम रहेगी जिसके ऊपर हम थोड़े से जरूर आ, सर ये तो आपने बता दिया लोड बेयरिंग के बारे में लेकिन हल्के होने का फायदा भी तो होता होगा ना क्योंकि ब्रिक के कंपैरिजन में

और भी होता है, जितना structure heavy, जितना वजन ज्यादा, उतना वो स्ट्रक्चर गिरने की संभावना बढ़ जाती है बिल्कुल राइट क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो इसकी वजह से अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ब्लॉक होता है फिर उसके बाद में वी आल्सो हैव फायर रेजिस्टेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आज भी हमारे देश में आर्किटेक्ट उस चीज के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते फायर लेकिन अगर आप यूरोप में जाओगे मिडिल ईस्ट में जाओगे तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो कहेंगे स्ट्रेंथ बाद में देखूंगा पहले फायर रेजिस्टेंस वैल्यू बताओ कितनी है क्योंकि hmm. ऊपर वाला नगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई यू नो किसी घर में आग लग गई तो हानि नहीं होनी चाहिए राइट right. तो इसका फायर रेजिस्टेंस इज डबल देन दैट ऑफ रेड रेडक्स रेडक्लेब्रिक्स का टू आवर्स माना जाता है फॉर एट इंच वॉल और फॉर एसी सी ब्लॉक्स इट इज फोर आवर्स ग्रेट फायर रेटिंग आपने बता दी वाटर सीपेज का कोई बेनिफिट होता है यस ये जो एसी है ये सेल्यूलर ब्लॉक करके जाना जाता है अगर आप आईएस कोड ओपन करोगे तो उसमें एसी नहीं लिखा है उन्होंने आईएस कोड फॉर सेल्यूलर ब्लॉक्स सेल्यूलर मतलब क्या ये सेल का मतलब क्या जो मधुमक्खी का आपने देखा रहेगा घर कैसे रहता है बहुत सारे सेल्स रहते हैं उसमें राइट सी डबल एरिया वो सेल है तो जो शेप है मधुमक्खी के घर का

ऑल दिस सेल्स आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम इच अदर राइट एक्सैक्टली अपोजिट टू रेड क्लेब्रिक्स तो क्लेब्रिक्स में भी पोरोसिटी है बट इट इज ऑल कनेक्टेड अगर मैं इस दीवार की तरफ देखता हूँ समझो मैंने आउटसाइड प्लास्टर जोर से बारिश हुई और प्लास्टर में क्रैक है तो घर में पोपड़े निकलना शुरू हो जाता है हमारे पेंट में करेक्ट बट विथ एसी ब्लॉक्स बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इच अदर देर इज नो कैपलरी एक्शन कैप्यूलरी एक्शन मतलब ट्रेवलिंग ऑफ वॉटर फ्रॉम वन फेस टू अदर फेस ऑफ द वो एबसेंट है इसका मतलब बहुत ही अगर आपका काम प्रॉब्लमेटिक है जॉइंट्स भी भरे नहीं ओनली इन दैट केस वाटर विल कम नेचुरली बाहर के प्लास्टर को क्रैक होने से घर के अंदर पानी नहीं आएगा तो ये पोरोसिटी नहीं है और उसकी वजह से वाटर सीपेज कम है मैंने जो आप कैपिलरी एक्शन बात कर रहे हैं मैंने देखा है कि साइड uh, पर वी ट्राइड दिस एक साइड yes. पर मैंने उनको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि आप ईंट को वर्टिकली इतने से पानी में खड़ा कर दिया हमने यस yes. राइट right? एंड वी कैप्टन ए सी ब्लॉक वर्टिकली यस तो उन्होंने देखा कि इतने से पानी में का इफेक्ट यह था कि पूरा कैपेल रियक्शन की वजह से पूरी हो गई yes. उसने पानी सो एंड एसी ब्लॉक में ऐसा नहीं हुआ yes. <laughs> मतलब रैंडम था चढ़ा yes. ही नहीं पानी ऊपर तो दिस इज समस्टिंग इट क्रिएट दैट वाटर प्रूफिंग इफेक्ट ऑल्सो फॉर यू ग्रेट सर इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ए सी ब्लॉक को यूज करने में क्योंकि डेली में हमारे यहाँ टेम्परेचर वेरियंस बहुत ज्यादा Uh, सर्दी में वी कैन रीच माइनस ऑल्सो समटाइम जब yes. कड़ाके की सर्दी होती है जीरो yes. डिग्री हर विंटर में टच हो जाता है yes. ये पक्का है और गर्मियों में वी आर रीचिंग और अप्रोचिंग फिफ्टीन आओ yes. तो दिल्ली ने तो अभी पीछे भी 46, 47 अभी था ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून तो जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएंस होता है तो जितना मैंने पढ़ा या समझा है किसी से या एक्सटर्नल एडवाइस दिया yeah. है कि वो एक्सपेंशन ऑन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एसी ब्लॉक में वो क्रैक आ सकता है yes. तो वॉट इज द The other challenges or what is how yes. we can tackle this challenge? guide yes. yes. uh, please. Friends, AC जेस और वट इज हाउ यून ट्रेंड्स इन दॉ एसी इम्पोर्टेंट चीज है शुरुआत होती है manufacturer से अगर मैं manufacturer हूँ और AC block supply कर रहा हूं तो मैं ensure करूँ के ग्रेड वन के ब्लॉक में दू okay. अगर मैं ग्रेड टू ब्लॉक सप्लाई करूंगा अगर ब्लॉक की स्ट्रेंथ फोर एमपी से कम है तो ये होगा कि ड्राइंग श्रिंकेज की वैल्यू बढ़ जाएगी जैसे मैंने आईस कोड में कहा पांच पैरामीटर ये पांचवा पैरामीटर सबसे निगलेक्टेड है hmm. जो जिसकी तरफ सबसे ज्यादा ध्यान हम सबने देना सब क्योंकि साइड के ऊपर चेक करना मुश्किल है बट फॉर्चुनेटली इट इज को रिलेटेड विथ द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्लॉक तो आपको पता है अगर चार एमपीए से ज्यादा स्ट्रेंथ है तो ड्राइंग श्रिंकेज इसका कम होगा okay. अब ये ड्राइंग श्रिंकेज होता क्या है देखते हैं तो कोई भी सीमेंटेशियस प्रोडक्ट है आप कॉन्क्रीट के रोड देखिए आप स्लैब्स देखिए आप आपके ब्रिजेस देखिए हर जगह पर आपने देखा होगा कि हम एक्सपांशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं hmm. राइट right? तो टू टेक केयर ऑफ एक्सपानशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑल्सो रोड के ऊपर आपने देखा रहेगा हम ग्रूस कट करते हैं right? राइट yeah. हर कुछ डिस्टेंस बाद फिर उसके अंदर हम बिटुमिन भर देते हैं तो कंक्रीट अगर क्रैक भी हो hmm. तो उस जगह पर क्रैक हो और बिटुमिन भर देते हैं ताकि वो क्रैक एक्सपोज नहीं हो हम देखे नहीं हो क्रैक को इट इज नॉट अनसाइट यू नो वंस वी कवर इट यस तो एस इज ऑल्सो अ सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट इसका मतलब क्या है इट इज गोइंग टू श्रिंक ये श्रिंकेज का शार्प मिला है हमारे पूरे सीमेंट इंडस्ट्री को आप प्लास्टर लीजिए कॉन्क्रीट लीजिए कोई भी शार्प मिला है इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते हमें सिर्फ तीन चीजों का ख्याल रखना है और आपकी साइट फ्री ऑफ क्रैक्स हो जाएगी थ्री थिंग्स सो फर्स्ट इज सप्लायर मैं सप्लायर हूं तो आई विल एंश्योर इट इज अ ग्रेड वन ब्लॉक यू आर अ यूजर यू विल एंश्योर दैट इट इज अ ग्रेड वन ब्लॉक दैट यू आर यूजिंग नंबर टू जैसे हमने शुरू में कहा ये ऑटोक्लेव से बना हुआ प्रोडक्ट है ऑटोक्लेव में स्टीम से इसको हीट दी गई है yes. इसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है जब ये ऑटोक्लेव से बाहर निकलता है okay. कितना अबाउट ट्वेंटी फाइव परसेंट मॉइस्चर इन साइड एंड ए सी ब्लॉक ये ब्लॉक जब मैं तुरंत डिस्पैच करूंगा ऑटोक्लेव का टेम्परेचर कितना कहा था हमने टू हंड्रेड डिग्रीज जब ये जस्ट बाहर आया इसको कुछ क्यूरिंग की जरूरत नहीं तो ऐसा हो सकता है कि जो सप्लायर है ब्लॉक बाहर निकाले ट्रक के अंदर भरे और आपके साइड के ऊपर आ गए ब्लॉक आपके साइड के ऊपर आ गए ब्लॉक की तरफ दिखा रहे इसमें से तो भाप निकल रही है इसका मतलब ये अभी भी बहुत गर्म है जब ब्लॉक गर्म है इसका मतलब मॉइस्चर कंटेंट अभी भी हाई है वो आपकी जो क्लाइमेटिक ह्यूमिडिटी है उसके साथ इक्विलिब्रियम में नहीं आया है तो मैं क्या करूंगा अगर मैं यूजर हूं तो मैंने देखा भाप आ रही है मैं ब्लॉक को 48 एट आवर्स तक उतार के रख दूंगा मैं आई विल अलाउ इट टू कूल डाउन आई विल अलाउ इट अलाउ द मॉइस्चर टू रीच एन इक्विलीब्रियम विद एटमोफियर और फिर मैं यूज करूंगा ठीक है दूसरी चीज गर्म ब्लॉक यूज ना करें क्लियर हो गया तीसरी चीज है जो हमारा बीम है थोड़ा टेक्निकल पॉइंट लेकिन इंपॉर्टेंट है तो मैं बताना चाहूंगा दीवार में करते 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 चला गया ऊपर मेरा बीम है राइट तो मेरी दीवार बीम तक पहुंची छोटी सी गैप है पांच दस एम एम की yes. जो मैं मोर मसाले से भर दूंगा yes. जो गलत है ओके वो एक चीज का आप ध्यान रखोगे एक ही चीज का तो नाइनटी परसेंट क्रैक्स एक ही चीज ओके तो जो छोटी सी गैप है उसमें आपको पाचड़ लगाना है ये पाचड़ एक टिपिकल सिविल इंजीनियरिंग वर्ड है जो ऑल ओवर इंडिया हमारे मिस्त्री भाई यूज करते है okay. जैसे कोई हिलने वाला टेबल है तो हम क्या करते हैं उसके नीचे एक पैकिंग लगा देते हैं ताकि वो हिले राइट राइट

राइट आरसीसी आरसीबी में डिफ्लेक्ट होना है जब वो डिफ्लेक्ट होता है बीम सेंटर में ज्यादा तो वो आके टच हो जाता है मेरी वॉल को अगर मैंने सिर्फ मोटर मसाला भर दिया तो दोनों साइड में गैप वैसे ही रहेगी और पूरा वाइब्रेटिंग लोड जो रहेगा बिल्डिंग का डिफ्लेक्शन लोड रहेगा वो एसी ब्लॉक के सेंटर में आ जाएगा तो आप देखोगे कोई भी आप साइड के ऊपर जाओगे सेंटर से आपको क्रैक आती हुई नजर आएगी जहां पर पाचड़ नहीं मारी है जहां पे वेजिंग नहीं लगाया है जहां पर ये पैकिंग हमने नहीं किया है तो ये पैकिंग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल है आपके साइड के ऊपर गिट्टी है गिट्टी के दाने हैं तो जैसे गैप हो वैसे वो दाना सिलेक्ट करेगा और फिक्स करते जाएगा दाना फिक्स करना है वो हिलना नहीं है उसे रखना नहीं है कोई मेकअप नहीं कर रहे हम हम उसे फिक्स कर रहे हैं जगह पे okay. ताकि वो वॉल पूरे कांटेक्ट में आ जाए बीम के साथ okay. राइट वो बीम के साथ कांटेक्ट में आ गए फिर जो गैप बचे उसमें आप मोटर मसाला भर दोगे दोस्तों बहुत साइड के ऊपर हम उल्टा काम करते हैं पाचड़ मारना सबको पता है लेकिन हम पहले मोटर मसाला भर देते हैं फिर दाने चिपकाते हैं जैसे मैं फेस के ऊपर पाउडर लगाऊंगा कुछ काम का नहीं है ओके mm. okay? पहले स्ट्रक्चरल काम करो पहले वो दाने को घुसा उसको फिक्स करो जो यूडीएल आने वाला है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फ्रॉम द बीम टू द वॉल वो यूडीएल ही रहे पॉइंट लोड में कन्वर्ट ना हो तो सो थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है लेकिन जो मेरे साइट के बंदे सुपरवाइजर है प्लीज ध्यान दे इस चीज के ऊपर और आई एम श्योर आपकी साइट विल बी फ्री ऑफ क्रैक्स कितने का गिट्टी लगानी है उसमें तो हम जब बांध काम करते हुए चिनाई करते हुए ऊपर तक जाएंगे तो एक टिपिकल 10 एम एम की गैप छोड़ देंगे okay. वो मेजरमेंट करना है बांध काम शुरू करने से पहले okay. राइट वो गैप फिर जो मेरा टेन एम एम डाउन एग्रीगेट है 10 डाउन एग्रीगेट मतलब उसमें दस एमएम के भी दाने रहेंगे 8 एम एम के भी रहेंगे पांच एमएम के भी रहेंगे जी फिर जैसे गैप है जैसे एंड में बड़ी गैप है तो बड़े दाने लगेंगे दस एमएम के सेंटर में गैप तीन चार एमएम की हो जाएगी तो छोटे दाने लगेंगे ऐसा दाना जो गैप को पूरी तरीके से भर दे और पूरा बीम का लोड अपने कंधे के ऊपर लेके वॉल तक पहुंचाए फिर उसके बाद आप उसमें फिर बाद में जो मोटर से मसाला हमारा वो भर दे। दे। ग्रेट आ, सर एक चीज और बताइएगा कि जैसे लोग क्या करते हैं हर तीन चार फुट के बाद स्पेशली जो चार साढ़े चार इंच की दीवार है जिसमें सौ एम का ब्लॉक यूज हो रहा है एवरी थ्री फोर ब्लॉक Mm या mm right. का सरिया करते हैं कॉलम टू कॉलम यस फिर उसके ऊपर एक कॉन्क्रीट फिर अगला डालते हैं और बहुत जरूरी चीज है कंक्रीट के बैंड्स लगाना ओके okay. तो टिपिकली कैसे करना चाहिए लेट से हमारी फ्लोर टू फ्लोर डिस्टेंस दस फुट है टिपिकली जो होती है तो हमें चार फुट के ऊपर या हमारे विंडो के सिल तक बॉटम लेवल तक एक बैंड लगाना है जिसे हम बॉन्ड बीम भी कहते हैं कुछ लोग पाटली बीम कहते हैं बहुत सारे नाम है अलग अलग बिल्कुल अलग अलग रीजन में यस yes. तो जिसमें हमें सलिया लगाना है वो कॉलम तक पहुंचना चाहिए कॉलम के अंदर अगर हो सकता है तो दो होल ड्रिल करके वो एक इंच अंदर दोनों कॉलम में होना जरूरी है फिर आप एक चार इंच का बॉन्ड बीम लगा सकते हो इससे क्या होता है अगर आपके जॉइंट्स में कहीं भी उतार चढ़ाव है तो वो लेवलअप हो जाते हैं और सेटलमेंट ऑफ ब्लॉक्स की वजह से क्रैकिंग नहीं आती ग्रेट अनदर क्वेश्चन दैट आई हैव जब भी हम सॉ यूज करते हैं या ग्राइंडर से ब्लॉक को काटते हैं राइट right? तो मैं ऑन uh, साइड जो मैंने देखा लोग कई बार क्या करते हैं उसको फिल करने के लिए या उसकी हाइट को अचीव करने के लिए उसको हॉरिजॉन्टली काट देते हैं ब्लॉक को इनस्टेड ऑफ कटिंग इट वर्टिकली या हाइट मैनेजमेंट नहीं करते और बस वो जैसे ईट की आदत होती है ना hmm. मारा yes. किया, yes. लगा दिया, yes. दिया तो ब्लॉक yeah. तो right. का इंटरनल स्ट्रक्चर भी डैमेज होता है यही, यही बात है I mean. और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो बॉन्ड में आप कर दीजिए चार की जगह पे पौने चार इंच किया सवा चार इंच किया पांच इंच किया इट इज ओके जी

लेकिन इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे जो ज्वाइंट थिकनेस है ए सी ब्लॉक दोनों में बहुत पतला है जस्ट थ्री मिलीमीटर mm, राइट बहुत साफ सुथरा ब्यूटीफुल काम होता है लेकिन उसका डिसएडवांटेज यह है कि अगर मेरी फ्लोर अप डाउन है जो रहेगी हर स्लैब राइट तो मुझे उसको एक सतह पर एक लेवल में लाना बहुत जरूरी है तो मैं अच्छा वाटर लेवल में कच्चा कॉन्क्रीट का स्टार्टर बीम कर लेता हूं ताकि फिर मेरा काम जब ऊपर हो उसमें दिक्कत ना हो ओके नंबर वन नंबर टू जो मेरा स्कर्टिंग है वो भी ए सी ब्लॉक के ऊपर मुझे नहीं लाना है जो दीवार का स्कर्टिंग का काम होगा राइट तो वो स्टार्टर बीम के अंदर ही रहे उसके लिए भी वो चीज जरूरी है okay. तो एक इंच का स्टार्टर बीम और उसके ऊपर आपका एसी का। इंच का स्टार्टर स्टार्ट, बीम। स्टार्ट बीम। और वो रेगुलर कंक्रीट से डालना है या बहुत हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की जरूरत नहीं है एम टेन इज आल्सो इनफ क्योंकि मेरा ब्लॉक फोर एमपीए का है तो टेन एमपीए इज मोर देन इनफ ग्रेट सर uh, जो हम मोटार के लिए मटेरियल यूज करते हैं वो थिन बेड मोटार जिसको बोलते yes. हैं जो तीन एम एम चार एम ट्रैवल से उसको कर yes. देते हैं मोटार uh, जो हम ऑन साइट बनाते हैं ईंटें लगाने के लिए yes. तो ईंट लगाने के लिए तो हम बहुत मोटी लेयर लगाते हैं मसाला भी ज्यादा लगता है yes. अगर मैं वो मोटार यूज कर रहा हूँ और थिन बेड मोटार यूज कर रहा हूँ इज देर एनी इल इफेक्ट और गुड इफेक्ट ऑन द ब्लॉक तो दो चीजें हैं जिसकी वजह से हमें थिन बेड मोटर ही यूज करनी चाहिए पहली एक कॉस्ट अगर आप साइट में रेती बालू लाओगे उसको छानोगे और फिर मोटर बनाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है, है? आपकी जगह वेस्ट होने वाली है मटेरियल वेस्टेज होने वाला है जो रेडीमिक्स मोटर है बैग्स में आती है आपको सिर्फ बैग खोलना है पानी डालना है यूज करना है ओके तो बहुत कम मटेरियल में विदाउट एनी वेस्टेज एंड ओवरऑल कॉस्ट सेविंग में आपका काम हो जाएगा नंबर वन नंबर टू जो है जो कंसिस्टेंसी क्वालिटी है और जो क्यूरिंग रिक्वायर्ड है

जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में उसकी टिपिकल स्ट्रेंथ आपको दस से बारह तक नजर आएगी सर एक मिथ और है और ये मुझसे आर्किटेक्ट्स कह देते हैं बेसिकली स्पेशली जिनको इनिबिशन नेटवर्ड्स यूजिंग है ए सी ब्लॉक और वो इनिबिशन वही जो मैंने आपसे टेम्परेचर वेरिएंस की बात करी सो दे एजुकेट देयर क्लाइंट्स की जहाँ टेम्परेचर वेरिएंस ज़्यादा होता है ना वहाँ मत लगाओ हुआ ए सी ब्लॉक दिक्कत ज़्यादा आएगी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से Uh, is there anything that we can tell the architects and the owners to put their mind at ease कि ऐसा कुछ नहीं है you can use the block properly क्योंकि yes. uh, होता कुछ नहीं है सौ साइट में अगर एक दो जगह भी क्रैक आ जाते हैं तो it becomes a viral thing yes. फिर सिविल yes. कॉन्ट्रैक्टर भी उसको अवॉइड करना शुरू कर देते yes. हैं क्योंकि उनको पेनल्टीज लग जाती हैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स को भी उनकी भी गलती yes. नहीं है तो इज देर समथिंग दैट वी कैन पुट अक्रॉस एज अ मैसेज टू द आर्टेक्ट्स एंड द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इवन होम बिल्डर्स की आपको घबराने की जरूरत नहीं है आप ए ब्लॉक खुल के यूज़ कर सकते हैं ऐसा yes. कुछ है Yes, ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरी जो बुक आ रही है उसके अंदर एक सेपरेट चैप्टर सिर्फ क्रैकिंग ऑफ वॉल्स के ऊपर है हमने तीन चीजें डिस्कस की अब तक ओके ग्रेड वन ब्लॉक यूज कीजिए गर्म ब्लॉक्स यूज मत कीजिए और टॉप का बीम जॉइंट ठीक से बनेगा yeah. चौथी चीज है स्पैन की लेंथ कितनी होनी चाहिए आ, टिपिकली हम कोई भी बिल्डिंग में जाएंगे तो कॉलम टू कॉलम जो स्पैन है जिसके बीच में हमारी दीवार आने वाली है इज लेस देन फिफ्टीन फीट अगर पंद्रह फुट से ज्यादा है तो उसका एक्सपानशन ज्यादा होगा उस केस में वर्टिकल स्टिफनर लगाना जरूरी है जैसे हमने हॉरिजॉन्टल की की, right? तो वो ऑलरेडी डिजाइन में देना चाहिए स्पेसिफिकेशंस में देना चाहिए ताकि कोई भी एक सिंगल पैनल ऑफ एसी पंद्रह फुट से ज्यादा लंबा ना हो और एक आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रैकिंग ऑफ वॉल्स के ऊपर बहुत सारी जगह पर जो बिल्डिंग का डिजाइन है उसकी तरफ शायद इतना ध्यान नहीं जाता हर ध्यान कहां पर जाता है कॉन्ट्रैक्टर का काम कैसे चल रहा है मटेरियल की क्वालिटी कैसे है लेकिन जो डिफ्लेक्शन ऑफ द बिल्डिंग फ्रेम है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताता हूँ रांची में मैं गया था ऐसे एक बिल्डिंग साइट थी जहां पर कुछ इशू हुआ था क्रैकिंग ऑफ द वॉल्स और जब मैं गया तो तुरंत पता चला कि डिफ्लेक्शन फ्रेम का बहुत ज्यादा है मतलब रेनफोर्समेंट और कॉन्क्रीट सेक्शन ठीक से डिजाइन नहीं हुआ है अंडर डिजाइन था स्ट्रक्चर जब आपका बिल्डिंग स्वे करेगा फ्रेम स्वे करेगा तो इट इज गोइंग टू क्रैक जो भी बीच में मैसेजरी आप ईट की लगाओ या ए सी की लगाओ इट इज गोइंग टू क्रैक तो इस चीज की तरफ भी हमारे जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट दोस्त हैं उन्होंने ध्यान देना जरूरी है कि बिल्डिंग का डिजाइन प्रॉपरली रहे थोड़ा स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट के लिए टाइट रोप वॉक हो जाता है एक साइड से बिल्डर कहता है कि भाई मैं ए सी यूज कर रहा हूँ लाइट वेट है डेड लोड कम है तो सलिया कम करो बिल्कुल राइट right? दूसरी साइड पर आई एस कोड है जो कहता है कि स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है फॉर yeah. रेजिस्टेंस उसके लिए सर्टन अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट होना जरूरी है तो बेचारा स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट थोड़ा सा उलझन में पड़ जाता है कि मैं रियली कितना लेकिन गाइडलाइंस क्लियर है उसको कुछ अलग से डिजाइन नहीं करना है जो आईएस कोड कह रहा है उस हिसाब से डिजाइन होना चाहिए अगर थर्टी रिडक्शन नहीं हुआ रेनफोर्समेंट में ट्वेंटी ही हुआ तो उसे बोलना चाहिए बिल्डर को कि दिस इज एज पर आइज कोड आई हैव टू डू इट अगर वो नहीं होती है तो फिर डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्रेम हो जाता है लीड्स टू क्रैकिंग फिर लेकिन बहुत इजी है ऑन साइड आपको करना है वर्टिकल स्टिफनर मतलब कॉलम कॉन्क्रीट का एक छोटा okay, कॉलम अगर okay. मेरी छेंज की दीवार है तो चेंज बाय चेंज रहेगा

मेरी टॉयलेट फिटिंग वॉलहंग डब्ल्यू सी है yes. ये सब का सवाल था और हम मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और एक स्टेशन के ऊपर उनको ग्रेनाइट का फसाइट लगाना था जिसे आपने कहा क्लाइडिंग करनी थी और वो पूरा स्ट्रक्चरल स्टील की फ्रेमिंग में उसे बिठाना था और बहुत हेवी वेट था ग्रेनाइट का क्लाइडिंग ए की दीवार के ऊपर तो हमने साइड में डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि इट कैन टेक अ लॉट ऑफ वेट खाली जो तरीका है काम का अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज होगा अगर मेरा घर है और मुझे ए लगाना है और मुझे पता है एसी हेवी वेट होने वाला है घर के अंदर कोई भी फिटिंग आप लगाओगे आप अलमारी बिठाओगे वॉल हंग डब्ल्यू करोगे वॉश बेसिन लगाओगे कुछ भी चीज का आप करोगे तो हमें सिंपल रावल प्लग ड्रिल मशीन और स्क्रू का इस्तेमाल करना है हुँ. पहले कैसे हम करते थे हथोड़ा लेते थे खिला लेते थे और ठोकते थे सो दैट इज नॉट अलाउड इन ए

अगर मेरी नॉर्मल प्लाई की फ्रेम है जो नॉर्मली हमारे घर पर रहेगी अगर फ्लैट है अपना तो तो इट इज सिंपल वी विल ड्रिल द स्क्रूज इन द सेम वे बट फिशर बोल्ट रहेंगे छोटा स्क्रू नहीं रहेगा और प्लाई की फ्रेम बिठेगी और उसके अंदर हमारा डोर विंडो लग जाएगा okay. अगर ग्रेनाइट है ग्रेनाइट की फ्रेम है वो तो नॉर्मल ग्रेनाइट जॉइंटिंग जो अपनी ब्लॉक जॉइंटिंग चौकट की बात कर रहा हूँ फ्रेम आई डिस्कस ऑल दिस तो वन इज ग्रेनाइट फ्रेम हो गई दूसरी प्लाई की फ्रेम हो गई और जो तीसरी हेवी वेट है जैसे मेरा रोलिंग शटर है मेरा yes. शॉप है रोलिंग शटर है 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 वेट होने वाला तो इन दैट केस इज अ स्पेशल वे ऑफ डूइंग इट इनफैक्ट दो तरीके लगाने के एक है के एक कि ब्लॉक निकाल देते हैं सेंटर से एक ऊपर से एक नीचे से वहां पर होल फास्ट चला जाता है कॉन्क्रीट भर देते हैं राइट ये सिंपल तरीका हो गया दूसरा तरीका है कि मुझे होल फास्ट नहीं लगाना है मुझे फिशर बोल्ट ही लगाना है लेकिन मुझे हेवी वेट काम करना है तो उस केस में एक वुडन रनर फिक्स किया जाता है okay. दोनों साइड में तो डबल लगड़ी हो पहले आपका रनर लग गया और उसके ऊपर चौखट लग गई और फिर आप उसमें फिशर बोल्ड लगाओगे बॉटम में आप एम एस की पट्टी भी लगा सकते हो ओके okay? जो एम्बेड रहेगी इन द टाइल्स और वो आके आपके फ्रेम को सपोर्ट करेगी ये सारी चीजें मैंने बुक में भी विथ फोटोग्राफ्स डिस्कस किया हर एक फ्रेम कैसे ग्रेट एक्सटर्नल डोर विंडोज यूपीवीसी

हमने केमिस्ट्री के बारे में बात नहीं की नहीं तो सारा ऑडियंस शायद सो जाएगा सुनते सुनते लेकिन उसे हमने इंटरेस्टिंग बनाया है लाइक अ टी ट्वेंटी मैच का थोड़ा एग्जाम्पल दे के तो आप वो केमिस्ट्री कभी भूलोगे नहीं फिर उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आते हैं साइट यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नया प्रोडक्ट है आज भी हमारे देश के लिए दस साल ही हुए हम यूज कर रहे हैं इसे तो बहुत सारी तकलीफें हैं उसे कैसे सॉर्ट आउट करना है और फाइनली टेस्टिंग टेस्टिंग में भी बहुत सारे इश्यूज हैं लैब्स को पता नहीं है लैब टेक्निशियन को पता नहीं है कैसे करना है एक आई कोड की प्रोसीजर बट हाउ टू डू इट तो ये चार चीजों के ऊपर बुक फोकस करता है। uh, आपने इस लिखा yes. uh, किताब आएगी uh, मैंने प्लान किया इंडिपेंडेंस डे फिफ्टी ट्वेंटी से ब्लॉक को कैसे बनाना है क्वालिटी uh, कैसे चेक करनी है प्रोसेस कंट्रोल कैसे रखना है प्लांट का मेंटेनेंस कैसे करना है इट विल बी ग्रेट सर जब आप बुक निकालेंगे हम आपसे जरा उसका लिंक yes, लेंगे sir. और अपने व्यवर्स को शेयर करेंगे थैंक यू सर थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टूडे एंड एक्सप्लेनिंग द वर्ल्ड ऑफ ए सी टू टू अर्स दिस वॉज मिस्टर मुकुंद जोशी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर हिम प्लीज राइट टू मी एट बिल मेट पॉडकास्ट एट जी मेल डॉट कॉम यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड द हैंडल फॉर दैट इज एट बिल मेट पॉडकास्ट यू कैन मैसेज मी देयर कमेंट्स सेक्शन हमेशा ओपन है आपके लिए वीडियोस में भी और रील्स में भी और वॉट एवर कंटेंट आई पोस्ट प्लीज़ कॉमेंट देयर आस्क अस योर क्वेरीज वी विल रीच आउट टू मुकुंद सर एंड वी विल शेयर वॉट एवर हिज आंसर्स आर टू यू आई विल ऑल्सो शेयर हिज ई मेल टू ऑल ऑफ यू इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे